आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरार आईसीआईसीआई बैंक में लूट की कोशिश के चलते कल हुए मर्डर की वारदात के बाद आज नाला सुपारा स्वर्ण व्यापारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष एवं शिवसेना व्यापारी संगठन तालुका संगठक संजय गोपीलाल जैन ने एक वीडियो बयान जारी कर अपने स्वर्ण व्यापारी को सचेत रहते हुए सरकार की गाइडलाइन का पालन कर तय समय सीमा तक ही दुकान खोलते हुए व्यापार धंधे करने का किया आह्वान। सुनिए क्या कुछ कहा संजय गोपीलाल जैन ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गोपीलाल जैन, शिवसेना व्यापारी मंडल तालुका प्रमुख एवं नाला सोपरा ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कार्य अध्यक्ष। आपको ये बताना चाहता हूँ, कल जो विरार में आईसीआईसी बैंक में जो घटना घटी, उस घटना का हम व्यापारी मंडल की ओर से निंदा करते हैं। उस घटना के अंदर पूर्व मैनेजर, जो कि उस बैंक का पूर्व मैनेजर था, उसने लूट के इरादे से लूट करने की कोशिश की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। उस महिला की मौत के ऊपर भी हमारी व्यापारी मंडल की ओर से हम निंदा करते हैं। इस घटना से संबंध ये है कि मैं जितने भी व्यापारी भाई हैं हमारे नाला सोपारा, वसई, विरार या पालघर जिला में ज्वेलर्स वाले, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, जो ये कल घटना हुई, इस घटना के आधार पर कल जो हम दुकानें खोलते हैं, एक व्यापारी, सरकार ने गाइडलाइंस दी है हमको 4 बजे तक, कोरोना काल के चलते हुए, उस कोरोना काल के चलने के बाद भी 4 बजे बाद भी हम व्यापारी, जितने भी हमारे ज्वेलर्स व्यापारी हैं, वो 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक जाली खींच कर आधा शटर करके अंदर कस्टमर को दिखाते हैं। मेरा संदेश यह है कि जो आप इतना जोखिम भरा अपना धंधा है, जान और माल का अपना ये धंधा है, उस धंधे के अंदर जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है, उस गाइडलाइंस का आप पालन करें। उसके बाद जो आप अंदर जो कस्टमर को लेकर आप जो काम करते हैं, जो आप अपना धंधा करते हैं, जो ये घटना घटी है, उस घटना के संदर्भ कल अपने साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि अपना 4 बजे तक का गाइडलाइंस है, नया गाइडलाइंस अभी आया नहीं है। उसके बाद भी हम 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे अपन जाली खींच कर आधा शटर करके जो कस्टमर को लेते हैं, कल अपने साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। और अगर ऐसा हादसा किसी व्यापारी भाई के साथ होता है पालघर जिले में, तो इसमें ना पुलिस प्रशासन साथ देगा, ना कोई भी सरकारी जो भी महकमा होएगा वो साथ देगा, और जिस भी दुकान का इंश्योरेंस है, क्लेम भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो यह घटना घटी है, निंदनीय है। हम मानते हैं बैंक है, बैंक 3 बजे बंद हो जाता है, पर 3 बजे बाद भी बैंकों के अंदर उनका कार्य रहता है। कभी कोई क्लियरिंग का कार्यक्रम, जो भी लेन देन सुबह शाम तक हुआ है, उसका उनका लेखा ब्यूरो जो भी कंप्यूटर में करना होता, तो वो रुकते हैं, जबकि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, जबकि वो तो सरकार के अंडर में आते हैं। परंतु हम तो अपनी दुकान लेकर, अपन जोखिम भरा धंधा लेकर बैठे हैं, जान और माल का अपना रिस्क रहता है, उसके बावजूद भी हम तक जो शटर बंद करके जो धंधा करते हैं जाली लेकर, कल अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। बस यही मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूँ। और आज सरकार शिवसेना की है, पहले कांग्रेस की थी, बीजेपी की थी, व्यापारी हमेशा हर सरकार के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। मैं एक व्यापारी मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको ये आह्वान करता हूँ कि गाइडलाइंस का पालन करें और ऐसा जोखिम ना उठाए जिससे आपको जान और माल और अपने परिवार को कोई हादसा बढ़े। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, व्यापारी एकता जिंदाबाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।